सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। प्रकृति के सौंदर्य सृजन में उत्साह का संचार करने वाले मांगलिक पर्व ऋतुराज बसंत पंचमी के आगमन पर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने शहर के अपने आबादगंज स्थित आवासीय परिसर में विद्या की अष्टिधात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चन की। वहीं इसके उपरांत लातेहार के पतकी जंगल में वन्य प्राणियों को भोजन भी कराया। इसके अलावा सिमडेगा जिले के ठेठ इट्टागार रेगारी मिशन स्कूल में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ दशहरी आम का पौधा लगाया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों का शपथ दिलाते हुए कहा कि पर्यावरण प्रकृति वन एवं पशु पक्षी के साथ ब्रह्मांड के 84 लाख योनि जीवों की संरक्षित व सुरक्षित करने एवं वनों को कटने से रोकने के उद्देश्य से 1976 में पर्यावरण धर्म की विधिवत शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों को जीवन में आत्मसात करने की अपील की। वन राखी मूवमेंट के प्रनेता कौशल ने कहा कि पर्यावरण धर्म का विस्तार इतनी तेजी से हो रही कि उसी का परिणाम है कि उनके जन्मस्थली ग्राम पंचायत डाली बाजार स्थित निजी पार्क व जैविक उद्यान में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसका शिलान्यास पलामू परमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी के द्वारा 9 जुलाई को किया गया। 1977 में पर्यावरण धर्म के तहत ग्रामीणों के साथ नेपाल भूटान समेत देश के 22 राज्यों के 85 जिलों में 7 लाख से अधिक वन वृक्षों पर राखी बांधकर वनों से भाई परिवार का रिश्ता जोड़कर उसे जारी रखा। वन राखी मूवमेंट में शामिल महिला पुरुषों को समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। यह पूरा कार्यक्रम वे अपने निजी खर्चों पर अब तक चलाते आ रहे हैं। पर्यावरण धर्म गुरु कौशल ने आगे कहा कि वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना केवल वन विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सबों का कर्तव्य है। वन एवं वन्य प्राणियों एवं पेड़ों की संख्या और क्षेत्र पर लगातार घटता जा रहा है, जिससे वन प्राणियों के भोजन पर संकट गहराता जा रहा है। वन राखी मूवमेंट के अगुवा कौशल ने कहा कि जंगल कटने से वन प्राणियों को भोजन की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि यहाँ जंगल में जानवरों का बसेरा था, आज वहाँ पेड़ काटकर आदमी का बसेरा बना दिया गया है, जिससे वन प्राणियों पर भोजन का बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरणविद ने वन प्राणियों को पर्यावरण धर्म के 6ठा मूल ज्ञान मंत्र के तहत लोगों को भोजन कराने की अपील की, ताकि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। इस पूजा कार्य में और पौधारोपण में शामिल संस्था के प्रधान सचिव पूनम जायसवाल, यूनिक प्लाई के प्रोप्राइटर अरुण कुमार जायसवाल, ग्राम पंचायत डाली के मुखिया सह छतरपुर पूर्वी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी अमित कुमार जायसवाल, ज्योति कुमारी, कोमल जायसवाल, शिल्पा जायसवाल, सूरज कुमार, सुमित कुमार, पूर्णिमा कुमार, उर्मिला देवी, दिव्या सिंह, अक्षय कुमार सिंह, कुमारी क्रिकेटा, निर्मला प्रजापति, नेहा सिंह, स्वाति गिरी, शिल्पा सुरती समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सरस्वती पूजा के अवसर पर पूरे मानव जाति को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों के तहत कोई भी शुभ कार्य पर पौधा लगाना या लोगों को भोजन कराना, आज माँ सरस्वती पूजा के अवसर पर आज वन प्राणियों को हमने केला का भोजन लातेहार जिले के पतकी जंगल में करा रहा हूँ, क्योंकि वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा करना केवल वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी का नहीं है, ये हम सबों का कर्तव्य है। क्योंकि आज जो जंगल में रहने का जो वन प्राणियों का जो घर था, वहाँ मानव का घर बन गया, जंगल कट गए, जो ये मंकी जो हैं, हनुमान जी हैं, इनको भोजन के लिए वहाँ जो मिलता था जंगल का फल फूल, वो अब समाप्त हो गया। इसीलिए बेचारे ये भोजन न मिला तो जंगल छोड़ के ये लोग रोड पर आ गए। ये इनकी जो भोजन कराना है, तो अगर सभी मानव अगर इनकी भोजन नहीं कराएंगे तो ये भी धरती पर जीने आए हैं, ये भी पर्यावरण के अंग हैं। ये अगर भोजन कराना है तो केवल फल दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, मूली दे सकते हैं, इनको
हरा मटर दे सकते हैं, इनको कचौड़ी पकौड़ी गलती से भूल से भी नहीं देना है, क्योंकि अगर कचौड़ी पकौड़ी इनको भोजन में दे देंगे जो लोग, तो आप प्यार में तो भोजन कराने लेकिन बेचारे बीमार पड़ जाएंगे, उनकी रोवा उड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे परिस्थिति में उनको फिर जान जाने की नौबत हो जाएगा। तो उनको भोजन कराना है, लोगों को शौक है कि वन प्राणियों के भोजन कराना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे सामान न दें, अन्न न दें, चावल दाल न दें, इनको कचौड़ी पकौड़ी न दें, सख्त इजाजत है लोगों का।